सब्सक्राइब करें नेडी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लेके आ गए हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन। गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं, जानेंगे कि ये नेक्सॉन उन्होंने क्यों ली, क्या क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी नेक्सॉन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहेगा वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू नेडी पहाड़ी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। आपने नेक्सॉन ही क्यों ली? क्योंकि इससे कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां आती है, सोनेट है आपकी, XUV300 है, और हम जाते हैं तो देखिए न्यूली ब्रीजा भी लॉन्च हुई है, तो आपने नेक्सॉन ही क्यों ली? सो ये मैंने ली थी अप्रैल में, इसी BS6 Phase 2 मॉडल है। हम कंपेयर करेंगे सेम चीज विद सेल्टोस किया के साथ। मैंने सेल्टोस का लिया था ये ड्राइविंग, और मुझे ये बेस्ट लगा इस प्राइस रेंज में जो फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रही है नेक्सॉन, और विद द बिल्ड क्वालिटी जो ये प्रोवाइड कर रही है वो मुझे उसमें नहीं मिला। सेम फैसिलिटी जो सेल्टोस प्रोवाइड कर रहे थे वो 1-2 लाख ज़्यादा ही पड़ रहा था इसके कंपैरिजन। अच्छा, और इसका ठीक था, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ही मैं ड्राइव करके जा रहा था और मेरे आगे ही एक साइकिल जा रही थी, उसके पास कम से कम बहुत मोटा मोटा रोड लेके जा रहा था। उस बंदे ने अपना मतलब कि खो दिया बैलेंस, और वो आके सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा है, ये देखिए पार्ट यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। ये तो चेंज करना था, मैंने चेंज नहीं करवाया, लेकिन सेम चीज मुझे यहाँ भी आया था, ये पूरा हो गया था, स्क्रैचेस पड़ गए थे। अच्छा, इसके अंदर एटलीस्ट इतने होल अंदर तक चले गए थे। अच्छा, लेकिन अगर आप देखेंगे और आइडेंटिफाई करें बता भी नहीं सकते यहाँ पे कि कहाँ पे लगा था। हाँ, ये बात है, बिल्ड क्वालिटी तो काफी शानदार है इसकी। XC प्लस मॉडल है ये, इसमें ज्यादा फीचर्स मिल रहे थे इन कंपैरिजन टू सोनेट वगैरह में, और थोड़ा सस्ती भी आपको पड़ रही थी। मेन बिल्ड क्वालिटी, हाँ, 5-star रेटेड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सेम आपका XUV300 में भी आपको मिलती है, लेकिन कॉस्टली ज्यादा, सेम चीज 2-3 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा। जब हम मिले थे शुरू में तो हमने देखा था, एक किस्सा हुआ था आपके साथ जब आपने न्यूली नेक्सॉन ली थी, हालांकि वो होना नहीं चाहिए था। जो हमारे दर्शक है उनके साथ भी आप शेयर कीजिए कि वो क्या हुआ था। तो एक्चुअली मैं नया ड्राइवर, देख सकते हैं कि ये है, ये इनकी पहली कार है दोस्तों, और गाड़ी चलाना भी ये इसी नेक्सॉन में ही सीख रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे ही नाइट को ड्राइव करने के लिए निकला था अकेले। सो जैसे मेरी वाइफ के साथ गया था, मैं जा रहे थे, तो क्या हुआ कि बेंगलोर में ही कुंदनली के पास मैं यू टर्न लिया, और जैसे मैंने यू टर्न लिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। फिर मैं बार बार गियर लगाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी गियर लग नहीं रहा था। बहुत मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि मैं नया लर्नर हो सकता है, गियर कर प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं हो रही है, और गाड़ी बार बार बंद हो जाती थी। आसपास के लोग भी आए हेल्प करने के लिए कि बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। एक निक्सल वाला भाई ही आया अच्छे से, देखा मुझे, उसने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो गाड़ी लिए और उन्होंने स्टार्ट किया और लेके चले गए। बाद में मैं आगे, जब गाड़ी आगे रोका, फिर मुझे मालूम चला कि गाड़ी की फर्स्ट गियर और सेकंड गियर नहीं लग रहा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ गियर लग रहा था, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ गियर भी नहीं लग रहा था। तो उस केस में मुझे बहुत ही, सिंस मैं नया ड्राइवर था, एक्सपीरियंस ड्राइवर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सिंस मैं नया ड्राइवर था तो मुझे बहुत डर लग रहा था ड्राइव करने में। तो उस केस में मुझे पूरा नियरली मैं 10 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके लाया ओनली थर्ड गियर पे। शुक्र ये थी कि मैं नाइट को चला रहा था और ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक होता तो बहुत ही मुश्किल होता मेरे लिए, वो था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें मुझे बहुत लगा। और सर एक्चुअली देखा जाए ना तो देखिए दोस्तों, ये नई गाड़ी है, जस्ट हार्डली आपको मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ था, और उस दौरान ही आपका ऐसा इशू आ जाना, विच इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। हालांकि सर्विस सेंटर वालों ने रिजोल्व कर दिया था, नेक्स्ट डे रिजोल्व कर दिया था, बट ये होना नहीं चाहिए था। दूसरा नेगेटिव फीडबैक बोलूं तो गियर शिफ्टिंग का लगता है मेरे को, थोड़ा सा लॉन्ग इसके गियर शिफ्ट है। उसका जो गियर शिफ्टिंग था वो काफी अच्छा था, मतलब कि थोड़ा स्मूथ है उसके, ये नहीं बोलूंगा बहुत खराब है, मतलब कि स्मूथ, ये भी बहुत स्मूथ है, लेकिन कभी कभी गियर फंस जाता है, कभी कभी, नॉट मतलब कि रेयरली मैं बोलूंगा, उतना स्मूथ है जितना आपकी हुंडई की गाड़ियों में देखने को मिलता है। प्रॉब्लम इसमें मुझे एक लगता है कि जब गियर शिफ्टिंग करता हूं तो रिवर्स गियर मेरा थोड़ा अटकता है, ओके, फ्रंट गियर में कोई प्रॉब्लम, आगे जो भी गियर लगेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है सिर्फ रिवर्स गियर में। BS6 Phase 2 XZ प्लस मॉडल आप ये देख रहे हैं, फॉलेज ग्रीन ये कलर है। सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इस समय हम कर्नाटक में, कितना का आपको ये ऑन रोड पड़ा था? ये ऑन रोड पड़ा था 13 लाख 20,000। 13 लाख 20,000 नेगोशिएट करके आया था नियरली, मैंने एको ड्राइव से लिया था, तो ये मुझे पड़ा नियरली
नियरली 40,000 डिस्काउंट मिल गया था मुझे। कर्नाटका में रोड टैक्स बहुत ज्यादा है, तो अगर आप सेम गाड़ी अगर आप दिल्ली एनसीआर में परचेस कर रहे हैं ना या गुड़गांव में, तो वहां पर थोड़ा सा आपका जो रोड टैक्स है वो कम रह सकता है। तो फिर भी सर ने इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 का डिस्काउंट इसमें ले लिया था। अब सर देखिए, वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, और मैं आपको बता दूं मेरे पास भी जो नेक्सॉन है ना BS6 फेस 2 जो इंजन है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली है। अब लेकिन सर आप बताइए आपको क्या क्या पॉजिटिव्स मिले, बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानते हैं, उसके अलावा आप इसमें क्या क्या पॉजिटिव देख रहे हैं? जैसे कि अभी आपने बोला कि इंजन साउंड, मैं भी रिव्यू पहले पढ़ा लेने से पहले, तो लोग यही बोल रहे थे कि इसका जो है ना इंजन साउंड बहुत आता है, लेकिन मैं ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 110-100 के ऊपर भी गया हूँ, लेकिन साउंड तो मुझे उतना अच्छा लगा, मतलब उतना साउंड आया नहीं। हाँ, क्योंकि सर ये भी है क्योंकि आप बिकॉज फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलाना भी इसमें ही सीखे हैं, और क्योंकि जब मैंने इससे पहले नेक्सॉन चलाई थी तो वहां पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नॉइज आती है, क्योंकि 3-सिलेंडर इंजन है। और दोस्तों हाँ, ये पेट्रोल इंजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट तो हुई है। हाँ सर प्लीज। तो मुझे अब उतने 100 किस्म जाने के टाइम ना लगता नहीं कि हाँ गाड़ी ना रोड से छूट के जा रही है, बिल्कुल आराम से चलता है गाड़ी, एकदम स्मूथली, मुझे तो बहुत स्मूथ लगा, स्टेबल काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल है, हाई स्पीड में स्टेबल रहती है, बॉडी रोल भी कंट्रोल्ड है, यस 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 पूरा। और मुझे इसका अच्छा लगा जो थीम ये दिया हुआ है ना, इको सिटी ड्राइव मोड्स इज वेरी गुड, करेक्ट, मतलब जैसा आपको सिटी में चला रहे हैं तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल है चला सकते हैं, स्पोर्ट्स में तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, पावर अगर जा रहे हैं तो पावर की कमी नहीं है इसमें, काफी अच्छी पावर मिल जाती है, 120 BHP जनरेट करती है गाड़ी में ना। एक्सेसरीज भी काफी सारी लगवाई गई है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रेन वाइजर, इसमें क्रोम फिनिशिंग आप देख पा रहे हैं, नीचे आपकी साइड स्टेपर नेक्सॉन की बैजिंग के साथ, फिर सीट कवर्स, क्वालिटी मुझे इस सीट कवर्स की काफी अच्छी लगी दोस्तों, और फिनिशिंग जो है ना वो भी सर ने काफी अच्छी करवा रखी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील रैप करवाया हुआ है, नीचे आप देखेंगे 7D मैट्स लगवाए हुए हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी सारे डोर्स में लगवाया गया है, इवन अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आप देख पाएंगे। तो देखिए इसके अलावा सिरामिक कोटिंग भी सर ने करवाई है, तो सर मुझे ये बताइए आपको ये जो सारी एक्सेसरीज आपने लगवाई हैं या करवाई हैं कितना खर्चा आपको आया? नियरली 34,000 कि देखिए पेट्रोल इंजन है, 3-सिलेंडर इंजन, पहले नेक्सॉन के बारे में काफी ज्यादा बात होती थी कि भाई माइलेज अच्छा नहीं है, आप इससे कितना माइलेज निकाल रहे हैं सिटी और हाईवे में? माइलेज तो मुझे वही 10 और 10+ का ही लगता है, 10 11 सिटी में, बंपर बंपर टू बंपर ट्रैफिक, बंपर टू बंपर में, अच्छा हाईवे पे कभी कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन सिटी में मैं देखा हूँ तो वही 10, नया है गाड़ी है तो फिर अभी तो हाँ ये तो है, तो वही है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने भी बताया था आपको 10-11 का ही माइलेज आपको मिलेगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, हाईवे में अगर चले जाएंगे तो सर कभी आप मतलब हाईवे में लेके गए इसको? लेके गया हूँ लेकिन कभी काउंट नहीं किया, कोई किया कि कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैंने जब देखा था तो मेरी गाड़ी मतलब निकाल रही थी 16-17 के आसपास निकाल रही है, बट दैट डिपेंड्स अगर आप कंप्लीटली हाईवे में चल रहे हैं तो वहां पर है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या सिटी ट्रैफिक में ओनली 10-11 इतना ही मान के चलिए। BS6 फेस 2 वाला इंजन है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हम जानते हैं इसमें करी गई है, मैंने भी इसमें काफी ज्यादा वीडियो बनाई है, अभी एक बार आप सुन लीजिए। इवन आप वाइब्रेशंस भी देखेंगे ना तो काफी ज्यादा कम हो गई है, तो इंप्रूवमेंट टाटा रेगुलर अपने इंजन में करता ही जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ये लुक देता है ना, ये थीम और ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला लुक, और इसका म्यूजिक तो भाई सुन के देखिए आप मान चलेगा काफी अच्छा है, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल दोस्तों देखिए हार्मन का इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, बाकी सर इसकी फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको, ये प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी लगी आपको? नहीं, कुछ कुछ जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी, जैसे मेरी वाली नेक्सॉन है ना तो उसमें यहाँ पर जो थोड़ा पैनल गैप्स मुझे देखने को मिला है, बट आपकी मैं देख रहा हूँ तो फिर भी आपका जो फिनिशिंग है अच्छी है, मेरे से तो मेरी वाली नेक्सॉन से तो अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। PDI किया था, और मेन इसका और एक रीजन बताऊंगा गाड़ी लेने का कि वो जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज्यादा है, कुछ दिन पहले ही मैं गया था कुछ कोलार के तरफ, तो KGF की तरफ मैं जा रहा था, उधर का कुछ मतलब 3-4 किलोमीटर तक रोड बहुत गंदा था, बहुत ज्यादा गड्ढा था रोड में, तो मतलब कि और सब गाड़ी बहुत मतलब कि हम धीरे धीरे जा रहे थे, मैं तो मतलब कि ना थोड़ा स्पीड आराम से क्रूज करते हुए निकल गया। ये तो 209 mm का, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दोस्तों। मुझे और एक लग रहा है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनको देना चाहिए था, यहाँ पे एक लैंप दे देना चाहिए ताकि करेक्ट करेक्ट सेंटर कैबिन लैंप, ये बिल्कुल सही कहा, हाँ करेक्ट दोस्तों, यहाँ पर तो एटलीस्ट देना चाहिए था क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये LED है विच इज गुड, बट अगर यहाँ पर भी दे देते ना तो काफी अच्छा था, क्योंकि रात को क्या होता है ना स्पेशली अगर किसी को सामान निकालना है तो दिक्कत होती है पीछे वालों को। सर आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे मेरी भी नेक्सॉन है ना तो स्पेशली जो ये लो बीम वाला है ना प्रोजेक्टर, इसका नाइट में थ्रो मुझे अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता, मतलब लाइट कम लगती है, आपका इसमें क्या कहना है? सेम सेम
सेम ही है ना, इतना अच्छा थ्रो नहीं है। आई थिंक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, यानी करने की जरूरत है। फेसलिफ्ट अगर होगा तो आई थिंक एलईडी अगर सर दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी ये हैलोजन में ही है। तो सर अब मुझे आप बताइए कि आप कितना संतुष्ट, कितने हैप्पी हैं अपनी नेक्सॉन से? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस प्राइस में मुझे लगता है कि ये बेस्ट कार मुझे मिली है। तो सर गाड़ी आप रेकमेंड करेंगे अगर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं? जरूर जरूर रेकमेंड करूंगा, मैं खुशी खुशी रेकमेंड करूंगा, फिर बहुत खुश हूँ। अभी तक 3-4 महीने हुए लिए हुए, बट आई एम हैप्पी। ग्रेट सर, सो थैंक्स अगेन सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन, आपने जो ओनरशिप रिव्यू दिया, एक्सपीरियंस दिया अपनी नेक्सॉन का, सो थैंक्स अगेन। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों आगे इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।